सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके भाई की हो चुकी है मॉर्निंग, सुबह और जो है मॉर्निंग अगर हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:45। और इतनी अर्ली सुबह उठने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है पहले के ब्लॉग में कि मैं एक दफ़ा हलीम फार्मेसी गया था कुछ टाइम पहले, तो आज से आपके भाई की वहाँ पर ज्वाइनिंग है हलीम फार्मेसी में। तो मेडिकल फील्ड की फील्ड है भाई, तो ये है कि आज से वहाँ पर ज्वाइनिंग है और ज़िंदगी में एक नया मोड़ है ये भी एक तरीके का। तो फिलहाल आज से वहाँ पे ज्वाइनिंग है, तो आज से हम वहाँ जाएंगे। तो अभी सो वो उठ चुका है और टाइम हो रहा है 8:10 रह गए, 9 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। और अभी टाइम और मौसम बहुत ही प्यारा है, तो सुबह के टाइम मौसम काफ़ी अच्छा होता है। तो फिलहाल जो है नाश्ता वगैरह करते हैं फटाफट और इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई फाइनली नाश्ता वगैरह लग चुका है, नाश्ते में है अपने पास डबल रोटी मेयोनीज और चाय वगैरह। सो फटाफट पहले करते हैं नाश्ता, देन नाश्ते के बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो भाई फाइनली रेडी वगैरह हो चुके हैं, आज फार्मेसी में आपके भाई का फर्स्ट डे, तो फिलहाल फॉर्मल लुक में आपका भी हो चुका है बिल्कुल रेडी। सो कल वगैरह परसों वगैरह से इंशाल्लाह जिम वगैरह भी जाना शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टमी अंदर करनी है और बॉडी को करना है थोड़ा बहुत फिट। सिक्स पैक जैप वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी बॉडी फिट करनी है जिम जाके। फिलहाल टाइम हो चुका है 9:20 और मुझे 9 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है, तो फटाफट दस्ती बाइक चला के जाना पड़ेगा और फटाफट वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ और इससे ज़्यादा लेट होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वही बोलेंगे कि पहला दिन है, पहले दिन ही ये लेट हो गया, बाइक भी आगे खड़ी भी आज। सो फटाफट निकालते हैं और सुबह का टाइम है, तो अपने दिन का आगाज़ शुरू करते हैं। और ये मेरी लाइफ का एक नया मोड़ है और मुझे बहुत ज़्यादा आज मैं खुश हूँ कि मेरा जो ड्रीम है कि यार मैं मेडिकल फील्ड में ही आगे बढ़ूँ, तो जो है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ टाइम में। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में चैम्बर्स ब्लॉक की जगह नाम होगा हमारे चैनल का डॉक्टर हंसलास ब्लॉक। तो इंशाल्लाह बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि आप लोग यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें और दुआ भी करें भाई के लिए। तो फिलहाल फटाफट निकलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं। फार्मेसी से आपका भाई आ चुका है वापस, टाइम हो चुका है 4:05 है, लेकिन मैं आया था 3:25 पे घर पे। तो फिलहाल मैं नहाने धोने चला गया था, फिर मैंने पुलाव वगैरह पकड़ लिया था रास्ते से आते हुए, भूख लग रही थी क्योंकि फार्मेसी की जॉब एक तो थकान वाली होती नहीं है, दूसरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो फिलहाल कल से आपके भाई की रूटीन बन जाएगी इंशाल्लाह फार्मेसी जाने की, तो हम जो है सुबह का ब्लॉग भी बनाया करेंगे, फिर फार्मेसी से निकल के वहाँ का ब्लॉग बना, वहाँ से फिर ब्लॉग दोबारा बना लिया करेंगे, क्योंकि फार्मेसी के टाइम की जो क्वांटिटी है वो भी छोटी सी है, तो स्मॉल टाइम ऑफ वेस्ट है, तो जल्दी से जल्दी टाइम गुजर जाएगा और हम दोबारा से फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दिया करेंगे। तो वह फार्मेसी में ब्लॉग वगैरह नहीं बनाऊँगा, क्योंकि 10 वजूआतें होती हैं और हम वहाँ सीखने जा रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, हम वहाँ जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी नहीं करके जा रहे जो हमारी बात चलेगी। तो खैर इंशाल्लाह डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का आपका भाई का माइंड है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी भर की इंशाल्लाह अपडेट दूंगा, जब तक आपका भाई इस दुनिया में है, जब तक आप लोगों को अपडेट और वीडियोस और व्लॉग्स मिलते रहेंगे जब तक आपका भाई इस दुनिया में मौजूद है। तो फिलहाल जो है आप लोगों का बस प्यार चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो फिलहाल अभी जो है हम खाते हैं पुलाव जो मैं लेकर आया हूँ, पुलाव का लुक चेक करो कितना प्यारा आ रहा है, ये चेक करो फुल पुलाव का लुक, बहुत ही मज़ेदार पुलाव लग रहा है। ठेले से लिया, लेकिन इस ठेले पर रश काफ़ी था, तो मैं यार सब खा रहे हैं तो सब बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, मैंने बोला मैं भी ले लूं, तो जो है भूख भी लग रही थी, मैंने सस्ते में काम निमट गया, क्योंकि फिर वो जैफा को लो, फिर अलगरम बिरयानी जाओ वहाँ पे, फिर एक लंबी हो जाती है, उसने बिरयानी एक तो इतनी महंगी कर दी, फिर बोतल पियो रायता मंगा, वो एक जो है 300-400 रुपये की चीज़ 600-700 रुपये की पड़ जाती है, तो फिर इससे बेहतर है मैंने बोला ये पुलाव ले लो घर पर जाके, पुलाव के साथ रायता भी फ्री, प्याज भी फ्री, प्याज इतनी महंगी है वही फिर भी फ्री,
तो खैर अभी फटाफट से खाते हैं पुलाव, थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर शाम में निकलते हैं आउटिंग सीन करने, तो आप लोगों को फिर मिलते हैं। तो भाई फाइनली ऑफिस से घर आ चुके हैं, यानी फार्मेसी से आपका भाई आ चुका था काफ़ी टाइम पहले, कर जैसा कि आप लोगों को पता है। तो पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, और पापा भी आजकल ऑफिस से जल्दी आ रहा है, और आपका भाई तो काम ही ऐसा कि ओवर टाइम आपका भाई ने कभी करा नहीं ज़िंदगी में, और बाकी सीखने के लिए आपका भाई हर जगह हर चीज़ राज़ी हो जाता है। तो फिलहाल जो है सीख रहे हैं, अभी सीखने वाला टाइम चल रहा है, इंशाल्लाह फिर जो है समझ रहे हो। तो फिलहाल जो है अभी मैंने चाय वगैरह बनाए रख दिया, पापा आ चुके हैं ऑफिस से, पापा जब तक फ्रेश होंगे अब तक चाय वगैरह हमारी रेडी हो जाएगी। सो फटाफट करते हैं चाय को रेडी, और पापा के फ्रेश होने करते हैं थोड़ा सा वेट, चाय 2 मिनट का काम है रेडी करने के लिए, और आपके भाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका भाई प्रोफेशनल है चाय बनाने में और पिलाने में, सर्व करने में, सब चीज़ों में आपका प्रोफेशनल है। हमारे घर पे मेहमान आते थे तो मैं चाय बनाता था, तो लोग बोलते थे कि आपकी तो लड़की नहीं है, आपका तो लड़का है, हम इसको देखने थोड़ी आए तो उसके हाथों चाय मंगवा रही है, तो लोग ऐसे बोलते थे। और आज वही लोग जो कहते हैं हंजा के हाथ की चाय होती थी, तो फिलहाल मैंने उनको बोला कटो शाबाश। तो फिलहाल जो है अभी चाय वगैरह बनाते हैं, और अपने मम्मा पापा की हेल्प सबको करनी चाहिए। तो मैं जब छोटा था उम्र से मैं मम्मा पापा की हेल्प करता था, क्योंकि मेरी मम्मा को शुगर थी, तो इस वजह से मैं चाय वगैरह कर बना लिया करता था। तो सबको हेल्प करनी चाहिए अपने मम्मा पापा की, खाना बनाने में भी अगर आता है, लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, कोई किसी से कम नहीं है। आजकल लड़के यूट्यूब पर अगर वीडियोज़ देखते हैं फ़नी, तो उसके साथ खाने की रेसिपी की वीडियोज़ देख लें, या अम्मा से पूछ के कुछ बना के कभी खिलाएं, माँ बाप बहुत खुश होंगे। मैं भी कढ़ाई वगैरह बनाई है व्लॉग्स में, शायद ना डाली हो या क्या पता डाली भी हो, मैंने कढ़ाइयाँ वगैरह ही बनाई हैं घर में, और अम्मा अब्बा को खिलाई हैं, बड़ा पसंद आई उनको। फिलहाल ये फटाफट बंद करते हैं चाय का चूल्हा तेज़, और चाय बनाते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट चाय पे। सो भैया जी फाइनली जो है, हाँ भाई चीनी मिल गई थी, तो फिलहाल चाय वगैरह रेडी कर लिया, टाइम 6:05 हो चुके हैं, और पापा भी ऑफिस से आके रेडी वगैरह हो चुके हैं, यानी फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। तो हमने चाय वगैरह निकाल लिए, चाय और अपना विथ बटर पफ बिस्किट एंड विथ ब्यूटीफुल पानी, जिसमें मेरे से चीनी गिर गई थी कटोरे में। फिलहाल पानी वगैरह पीते हैं। तो यार आवाज़ जो आ रही है ना वो मैं लगान देख रहा हूँ, तो फिलहाल जो है चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी देर में आप लोगों से। तो यार फाइनली रात के खाने वगैरह का टाइम बिल्कुल हो चुका है, टाइम इस टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, और व्लॉग अपलोड होने वाला है 2-3-5 मिनट बाद, व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा 5-7 मिनट से विनिंग बता रहा है अभी भी व्लॉग अपलोड होने में, तो कोई 10-5 मिनट बाद जो है व्लॉग अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जाके उस चीज़ को देखो फटाफट जाके, 10 चीज़ जिसने अभी तक नहीं देखा, और जो ये व्लॉग देख रहा है पहले वाला व्लॉग भी देखे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाए। सो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, और मेरी वीडियोज़ अभी जो है उस पर अच्छी चल रही है, तो फिलहाल जो है उसको भी जाके सब्सक्राइब वगैरह कर लो, क्योंकि वो चैनल भी अच्छा है, एंटरटेनिंग है फुल, उसमें व्लॉग नहीं है, उसमें सिर्फ कॉन्टेंट वीडियोज़ हैं, तो जाके उसको भी चेक करो, मेरी चैनल लिस्ट में वो आता है। तो फिलहाल अभी खाने वगैरह का टाइम हो चुका है, तो खाने में आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। खाने में है दाल रोटी, अंडे वाली बर्गर और चिकन रोल। तो फिलहाल चिकन रोल अभी मेरे खाने का पक्का नहीं है, क्या पता मैं रात वगैरह में खा लूँ, क्योंकि सुबह फार्मेसी आना होगा, तो रात में मैं जाग रहा होता हूँ, व्लॉग वगैरह एडिट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो ये मसला होता है। तो फिलहाल जो अभी फटाफट से खाते हैं अंडे वाला बर्गर और खाना वगैरह, सॉरी, तो उसके बाद जो है फिर आप लोगों से दोबारा मिलते हैं।